Gulzar Sahab, one of India's finest filmmakers, lyricist, and has always been a poet at heart. आज उन्हीं की लिखी हुई एक कविता यहाँ पे मैं अपने आवाज में आप तक पहुँचाने जा रही हूँ, जिसका नाम है 1857। एक ख्याल था इनकलाब का, एक जज्बा था सन 1857, एक घुटन थी, दर्द था वो अंगारा था जो फूटा था। 150 साल हुए हैं उसकी, चुन चुन कर चिंगारियां हमने रोशनी की हैं। कितनी बार और कितनी जगह बीजी हैं वो चिंगारियां हमने, और उगाए हैं पौधे उस रोशनी के। हिंसा और अहिंसा से कितने सारे जले अलाव, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, रुड़की, पटना। आजादी की पहली पहली जंग ने तेवर दिखलाए थे। पहली बार लगा था कोई सांझा दर्द है बहता है, हाथ नहीं मिलते पर कोई उंगली पकड़े रहता है। पहली बार लगा था खून खौले तो रूह भी खौलती है, भूरे जिस्म की मिट्टी में इस देश की मिट्टी बोलती है। पहली बार हुआ था ऐसा, गांव गांव रूखी रोटियां बढ़ती थी, ठंडे तंदूर भड़क उठते थे, चंद उड़ती हुई चिंगारियों से सूरज का थाल बजा था। जब वो इनकलाब का पहला गरज था, गर्म हवा चलती थी जब और बिया के घोंसलों जैसी, गर्म हवा चलती थी जब और बिया के घोंसलों जैसी, पेड़ों पर लाशें झूलती थी। बहुत दिनों तक महरोली में आग धुएं में लिपटी रूहें दिल्ली का रास्ता पूछती थी। उस बार मगर कुछ ऐसा हुआ, क्रांति का अश्व तो निकला था पर थामने वाला कोई नहीं था। जाबाजों के लश्कर पहुंचे मगर सालारने वाला कोई ना था। कुछ यूं भी हुआ, अब तो सब कुछ अपना है, इस देश की सारी नदियों का अब सारा पानी मेरा है, लेकिन प्यास नहीं बुझती। ना जाने मुझे क्यों लगता है आकाश मेरा भर जाता है जब कोई मेघ चुरा ले जाता है। हर बार उगाता हूं सूरज, खेतों को ग्रहण लग जाता है। अब तो वतन आजाद है मेरा, चिंगारियां दो, मैं फिर से बीजूं और उगाऊं धूप के पौधे, रोशनी छिड़कूं जाकर अपने लोगों पर, मिलके फिर आवाज लगाए इनकलाब इनकलाब इनकलाब। ये बेहद खूबसूरत डीप सोल कनेक्टेड पोएट्री 1857 लिखी है गुलजार साहब ने, एक छोटी सी कोशिश अपनी आवाज में इसे आप तक पहुंचाने की। कैसी लगी जरूर बताइएगा।